आप सभी को मेरा प्रणाम। आज पवित्र दिन दीपावली है। आज दीपावली के बारे में देखेंगे। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तब उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने के भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के देवता भी है। लोग उनसे स्वास्थ्य और सेहत रूपी धन की कामना भी करते हैं। लोग इस दिन ही दीपावली की रात श्री लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है। यह पर्व सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला ऐसा विशिष्ट पर्व है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विशिष्टता रखता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दिवाली मनाने के कारण एवं तरीके अलग अलग है, पर सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्योहार चला आ रहा है। लोगों में दिवाली की बहुत उमंग होती है। लोग अपने घरों को कोना कोना साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों के उपहार एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरों से मिलते हैं। घर घर में सुंदर रंगोली बनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। बड़े छोटे सभी इस त्योहार में भाग लेते हैं। हर वर्ष मनाए जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों को त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमया अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की और ले जाइए। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इस बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। दीपावली के दिन अयोध्या के राजा भगवान श्री राम अपने
14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। अयोध्या वासियों को हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमग उठी थी। तब से आज तक भारतीय प्रति वर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों को विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का नाश होता है। दिवाली यही चरितार्थ करती है। असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत रंग रोगन सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर मोहल्ले बाजार और साफ सुथरे व सजे धजे नजर आते हैं। क्षेत्र अनुसार सभी की प्रार्थनाएं अलग अलग होती है, किंतु बहुत से लोग यह प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद की ये प्रार्थना जिसमें प्रकाश उत्सव है, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ होता है असत्य से सत्य की और अंधकार से प्रकाश की और मृत्यु से अमरता की और हमें ले जाओ। ओम शांति शांति शांति। यह दीपावली शुभ अवसर पर श्री लक्ष्मी जी का गणेश जी का भगवान महादेव का सभी को कृपा हो। इस दीपक हमारा मस्तिष्क में हमें हमेशा रोशनी दे। सभी को इस दीपावली शुभकामनाएं। प्रणाम।